याद आते ही मेरे रू खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी तो रूह भी कांप जाती है जब जब पुरानी तस्वीरें हमारे दिमाग में जब एक वीडियो क्लिप उनकी चलती है। क्यों, क्या दिन हो गए थे, कैसे हाहाकार मचे हुए थे पूरे देश में। वो सब बेरोजगार हो चुके थे, बड़े बिजनेसमैन को खैर उतना फर्क नहीं पड़ता। उनका तो क्या होता है कि एक बिजनेस जाती है तो दूसरा नया ट्रिक उनके पास आ जाते हैं लॉकडाउन के बाद, वो अपना दूसरे तरीके से बिजनेस। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, मिडिल क्लास वाले, लोअर क्लास वाले, वो बहुत परेशान होते हैं। सबसे ज्यादा तो परेशान हमारी नजरों में, हमारे हिसाब से मिडिल क्लास वाले होते हैं। लोअर क्लास में तो कहीं भी काम चल जाता है उनका, अपर क्लास के भी कोई फर्क पड़ना नहीं अपर क्लास को। जो मिडिल क्लास होते हैं उनको बहुत सारे EMI भरनी होती है, बहुत सारे किस्तें भरनी होती है। बेचारे उन लोग कैसे कैसे गुजारा करते हैं उन्हें पता होगा। खैर जो होगा अब देखा जाएगा, झेलना तो पड़ेगा ही सबको। हम भाग से तो सकते नहीं दुख से, फिर भी हिम्मत बनाए रखना। हमने भी हिम्मत बनाए रखे हैं। जुकाम से मेरी नाक बंद हो रखी है 2 दिनों से, ठंड बहुत ज्यादा हो रहा है दिल्ली में। इस साल भी शायद आप लोग न्यू ईयर क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। सॉरी, क्या हो रहा है, सरकार आके क्या करेगी, केंद्र सरकार लगी पड़ी है, केंद्र सरकार वो भी अपने तरीके से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमें जैसे भी कुछ हमें पता चलता है हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अपडेट देते रहे। खैर हमारी तो भगवान से यही दुआ है, और आप लोग भी दुआ करना। आप लोग चाहे जो भी, जिसे भी मानते हो, भगवान, अल्लाह, खुदा, जो भी है, उनसे यही दुआ करना कि हमारे देश में कोरोना ना आए। क्योंकि हमारे देश को अंदर से बहुत खा चुका है कोरोना, बहुत अच्छी तरीके से खा चुकी है। मैं क्या बताऊं आपको, बहुत खा चुका है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो हमें सुने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।